तो भाई विशाल भाई लगे पड़े हैं जी, से पूरे चार चार के सिंह साफ कर दिया, साफ गंदा था बहुत। जो हमारी सत्संग भाई सारी हो गई रात के अप्रोक्स 11 बज रहे। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के, होप कि सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार अब आपके लिए हमारी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है भाई, 1:01 हो रहा है। तो फिलहाल आग खुल गई है, ये रखा हमारा सारा सामान और हमारे रूम की जो की थी वो भी हमारे पास आ गई। तो फिलहाल अपना सामान सारा कर देते हैं शिफ्ट अपने रूम में, और बारिश भी हो गई भाई सुबह सुबह। अभिषेक और सो रहे हैं, देख लो भाई बारिश बारिश का तो कुछ ज़्यादा बुरा हाल है। देखते हैं अभी क्या सीन है। वैसे तो चल चले तो करें, चलते हैं। सामान तो रख ही देता हूँ सर। क्या क्या सामान है, उठा बैग टांग पहले तो टूटना। नंगे पैर चल ले, नंगे पैर चल ले, चल चल चल, साफ ही तो पड़ा है, भाग के जाना पड़ेगा भाई। चाबी लाया रूम की, खोल जल्दी, एक हाथ से तो खोल रहा, खुल गया ताला। सामान कहाँ जाओ, अंदर अंदर रखे, कौन हम ही रखे गए थे हैं। ये वॉशरूम में कैसे गए चप्पल। तीन कुछ ये है कि अभी चलते हैं यहाँ से, पहले वीडियो अपलोड आज, मतलब जो कल आपने व्लॉग देखा है वो वाला व्लॉग अभी अपलोड करना है। तो यहाँ से चलते हैं मेस, मेस पे खा भी लेंगे कुछ और अपलोडिंग भी कर देंगे वीडियो की। और ये देखो सारा तो घर फिलहाल यहाँ खाली ही पड़ा है, अब यहाँ के लिए बिस्तर वगैरह जो भी है, गद्दे वद्दे पर्दे वर्दे सब ये घर भूल गया। इसे पर्दे का काम मैंने दिया था सिद्धार्थ को, दिया था मैंने पर्दे का काम, ही पर्दे भी घर भूल गया, कह रहा भाई यार ध्यान दे रहे मेरे। मैंने कहा चल कोई नहीं, अब सागर वागर आएंगे कल परसों में तो वो पर्दे लेके आ जाएंगे हमारे दोस्त हैं। और अभी चलते हैं यहाँ से मैं सिलेंडर और गैस भी ऊपर रखवा देता हूँ 2 मिनट। बारिश तो है गुरु, हल्की हल्की है पर बारिश है। सिलेंडर निकाल देता हूँ मेरे ख्याल से, और तो कुछ रहा नहीं, चार्जर रह गया मेरा नीचे, फ़ोन भी वहीं पड़ा मेरा, यह मेरा चार्जर, इसमें चार्जर, फिलहाल ही सिलेंडर भी ऊपर लेके जाना है, मैं पकड़ूँगा यहाँ से भाई यार। फुल मजदूरी चल रही है हमारी यहाँ, फिर से 250 पे लूँगा। नंगे पैर दौड़े फिर रहे हैं पूरे आंगन में, वहीं ले चल रसोई में हाँ। भैया हमारे ना एक सामान यहाँ से मिसिंग है, पर अभी हम देखते हैं आंटी को कॉल करके क्या ख्याल। हम आंटी आई थी ना जब ताला मारता, तो आंटी ने इधर उधर ना कर दिया, हो कि आंटी को पता हो। सामान आ गया हमारा, ये बर्तन है वही, उसमें भी बर्तन है, ये राशन का थोड़ा चीनी पत्ती है, खाना भी इसमें ही थोड़ा सा, बाकी राशन का काम, बाकी अभी राशन का हमें दाल चावल और क्या है, दाल चावल आलू आलू मतलब प्याज मटर सब्जियां हमें अभी खरीदना है सामान, और ये सिलेंडर अपना है ही। तो फिलहाल भाई नीचे चलते हैं, नीचे चल के पहनते हैं टी शर्ट वगैरह, भी बारिश हो रही है पर भूख बहुत तेज लग रही है। चल तो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, बारिश में जाना पड़ेगा हमें। ताला मारते हैं आंटी, आंटी आंटी हमें ताला भी दे गई पर बारिश हो रही है। ट्रिक थी हमारी है, ट्रिक थी ना ताला, आंटी से खरीदवाने की ताला देखा, हम ताला नहीं लेते, हम वो हैं क्या बोले थे, मूजी हैं मूजी। और बेटा बच्चों के कंधों पे बुकों का बोझ, ये खड़ी हमारी धनो अभी वाला बेटा। चलो भाई हम टी शर्ट ऊपर ही रह गई, मैं नीचे जाके कपड़े ढूंढ रहा, फिर ये कह रहा भाई तू ला तो रखा कपड़े, तो ऊपर रखे कपड़े थोड़े लेके गए थे हम घर। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, ये ताला मार रहा है, फिर यहाँ चलते हैं चाय पीने, चाय पी के आके भाई रसोई वगैरह किचन अपना सेट करेंगे, और उसके बाद अपना फर्नीचर का सामान देखते हैं, क्योंकि नीचे तो सोया नहीं जा रहा, गद्दे वद्दे तो चाहिए भाई, बाहर रह गए हाँ। अब था गया नीचे लेके चल, जूते रह गए भाई बाहर, चल जूते कहीं जा थोड़ी देर हैं, जूते बाहर रह गए यार, हमने सोचा था कि बाहर रख देंगे, महंगे जूते हैं भाई मेरे, मम्मी ने दिलाया था दिवाली पे, शूज रख दो भाई यहाँ पे, तो
हमारे पैर पे पैर रख दिया मेरे, गेट कर दिया हमने बंद। छी चलो, भूख लगी बहुत तेज। भाई चाय वाय हमारे हो गई डन, अब चलते हैं आज अपना थोड़ा बहुत सामान खरीदने। चलो भाई, मतलब थोड़ा सा राशन का सामान है वो लेना। हाँ, अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी, अब हम सामान लेने निकले तो धूप निकल गई यार। उल्टी करके लगाओ ये ले ले भाई, हमने सारा सामान, ये छन्नी पन्नी सब ले ली, ये रूम की चाबी। चलते हैं भाई फिलहाल यहाँ से रूम पे। तो सामान ही तो उठाएगा, आ जा। चुप, चाबी ले गई हूँ, रूम की चाबी उसमें ही है। आ गए भाई हम फिलहाल रूम पे। भाई फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे झाड़ू लेने, क्योंकि हम सारा मतलब किचन विचन सारा सेट कर रहे तो ज़्यादा गंदा हो रहा वो, और जो हमारा खोया हुआ सामान था वो मिल गया, बाहर पड़ा हुआ था वो। एक आंटी ने आके दिया हमारे जो बगल में थी, उन्होंने कहा लो बेटा तुम्हारा सामान बाहर रह गया। मैंने कहा ठीक है आंटी, अच्छा हुआ आपने रख लिया। नीचे से झाड़ू ले लेता हूँ, झाड़ू लेके ऊपर के साफ सफाई करनी शुरू करते हैं। अभी यहाँ ये धोना पड़ेगा सारा, जो हमने रख दिया यहाँ पे सिलेंडर, ये आ गई गैस, वो कहाँ है माचिस, जा 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 जा, इतना वो नहीं है मेरे अंदर यार, चला जाना, बहुत नीचे जाना पड़ रहा। ये हमने लगा दिया भाई यहाँ सिलेंडर। अभी हम गैस इसलिए लगा रहे हैं कि ना हम पहले करेंगे पानी गर्म, और पानी गर्म करने के बाद ये सारा यहाँ धुलेगा दोबारा, आज गंदा हो गया है जो, अब फिर हमारा जो किचन है वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद बनाएंगे कुछ खाने पीने को, क्योंकि सुबह से सिर्फ एक एक कप हमने चाय पी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके अलावा कुछ भी नहीं खा रखा। और अभी जो फर्नीचर वाला हमने बताया था, अगर टाइम बचा तो देखते हैं, वरना फिर वो कल के ब्लॉग में देख लेंगे। गैस लीक हो रही ना, क्या कर रहा है भाई, तुम्हारे भाई ने कर दिया देखो पर्दा, ये सिद्धार्थ पर्दा लाना भूल गया था देखो, तो ये मैंने यहाँ बेडशीट बांधी जिसमें हम गैस लेके आए थे, और ये सामान अपना थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग कर रहे धीरे धीरे करके, ये अपना हमने सेटअप कर दिया। ये वैसे गैस हमने यहाँ रख दी, पर ये गैस आएगी इधर, क्योंकि यहाँ वो कुकर वुकर वाला सीन है ना, अभी ये साफ सफाई करके यहाँ पे, तो ये गैस इधर आ जाएगी। और फिलहाल ये फ़ोन पड़े हुए, इन्हें चार दिन पर लगाना है। मम्मी ने रखी थी पहले, छन्नी छन्नी है, छन्नी थी पहले से, और हम फिर से खरीद लाए। और ये मम्मी ने सामान दिया था, मैगी वैगी दे दी मम्मी ने, आ जा बाहर क्यों पड़ा है। ये मम्मी ने मैगी वैगी दे रखी, मुझे पता नहीं था कि मम्मी ने दिए, पर मम्मी ने दे दिया, अच्छा हुआ मैकरोनी भी है इसमें। जो हमने उस दिन वो नहीं खरीदा था सर्फ, वो हो गया ख़त्म, अब वो स्लेब व्लेब धोने के लिए ना सर्फ चाहिए, तो अभी फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं सर्फ लेने। बहुत बड़ा सामान है भाई, सर्फ लेने जा रहे हैं दोनों। बहुत बड़ा सामान है, इतना इतना बड़ा सामान है, ऐसे लाएँ कंधे पर रख के। और हाँ अभी एक मेन चीज़ तो रह गई, जो भी इसे बताऊँगा देखो क्या कहेगा, ओ नहाने का सामान रह गया, बाल्टी ले भाई, तू बाल्टी तेरे से ठीक है भाई, बाल्टी साल्टी मेरी मेरी उसमें थी, वो मेरे वगैरह मैंने ले गया। बाल्टी वो मेरे में ही थी वैसे, कुबाड़ की बाल्टी दोनों। ये ले लिया भाई हमने सर्फ, दिखा नहीं रहा मैं सर्फ, क्योंकि भाई थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा ना, वैसे मेरी वीडियो पे 2-3 मिलियन व्यूज़ तो आ ही रहे, तो इस चक्कर में प्रमोशन नहीं करना चाहता मैं किसी का भी, ठीक है भाई फ्री में है ना। हाँ फ्री में प्रमोशन, फ्री में किसी का नहीं होने का। सर्फ डल गया इसमें, सर्फ की चाय बनने को तैयार, चाय की पत्ती डाल दो, दूध डाल दो, पहले वो आता था ना सर्फ एक्सल, अब वो आ रहा सर्फ टी, टी सर्फ टी, दूध नहीं डालना पड़ता है सर, हाँ। सर्फ डालो, सर्फ डालो और नीली वाली चाय पी लो, चाय की पत्ती डाल दो। ये हो गई हमारी साफ सफाई, ये देखो एक बार वाइड एंगल में दिखा देता हूँ आपको, और फिलहाल लग रही है बहुत तेज भूख, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बजने वाले हैं, और मौसम भी एकदम मस्त हो रहा, बढ़िया रंगीन। अरे भाई पैर गंदा हो गया मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, पैर पहुँच गया ना पड़ेगा पहले ठंडे पे, वो पानी भी उसका था ना, अच्छे से पूछ देता हूँ। ठीक है भाई, अब फिलहाल का सीन कुछ ये है कि अभी बना लेते हैं यार अब कुछ खाने पीने को, भी इस पर पानी वानी मारना है ढंग से, पानी वानी भी नहीं मार रखा हमने, मम्मी ने मैगी दी थी, फिलहाल तो मैगी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही मैगी के बाद, थोड़ी देर सोऊंगा उसके बाद उठ के देखते हैं किचन का सामान सेट करेंगे, ठीक है तो भाई हमने विशाल को भी काम पे लगा दिया यार, सिद्धू देवी जी ज्यादा गंदा नहीं हो गया, आज फेंक देंगे उसे साफ कर दे भाई, किचन तुमने पहले देखा होगा और अब देखो पूरा साफ हो चुका है, कमरा भी हमको एडजस्ट करना है। चलो भाई लगे रहते हैं ऐसा,
लगे रहे भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी करो भाई, गैस को सब साफ करना है। तो भाई विशाल भाई लगे पड़े हैं बहुत देर बाद, लगे भले सारा हमारा काम करने के बाद। तो इन्होंने सोचा थोड़ा ये एडिटिंग का काम कर रहे हैं, फिनिशिंग का, फिनिशिंग दे रहे भाई। ये सिंक साफ करने में मजा आया इसने बिल्कुल। कैसे करा भाई सिंक साफ, बताइयो जी, चाट चाट के जी से पूरा चाट चाट के सिंक साफ कर दिया, साफ गंदा था बहुत। गैस भी हमारी साफ हो चुकी है। करते रहे करते रहे, बहुत बढ़िया भाई। हमारी सेट असम भाई सारी हो गई, देखो सारा सामान हमने सेटअप यहाँ रख दिया। ये आ गया हमारे किचन का सारा सामान, खाने पीने का। अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब हम यही खाएंगे, यही मजा लेंगे अपना, और बस कॉलेज, कॉलेज से घर और फिर चलिए। एक काम करना, सारे बर्तन इधर लगा दे, और ये सारे डब्बा वब्बे कहाँ तेरे, नमक का डब्बा लाया तू वैसे? यार नमक तो सीध जाएगा ऐसे भाई, नमक तो ऐसे सीध जाएगा। बेलन तो इधर आएगा ना, बेलन इधर रहते पर, अभी बेलन का हमें चकला लाना पड़ेगा भाई, ले के आते हैं। अट्टे का बोरा भाई, अट्टे का भी मेरे ख्याल से वो लाना पड़ेगा, जिसमें अट्टा डाल दे, इसमें से बार बार निकाल नहीं सकता। अगर ऐसे निकाल लेंगे तो उसे कवर करने के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पंछी वंछी ज़्यादा है। ये मैं ऐसे लिया है रिम का बढ़िया वाला बर्तन धोने का। भाई ये बन रही है हमारी मैगी, और अभी बज रहे रात के 8 बजने वाले। हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ना फिर हम सो गए थे। बन गई ना? हाँ पानी का देख सही है, देख कर खाता। हाँ ठीक है, तो भाई फिलहाल हम खा लेते हैं मैगी, उसके बाद देखते हैं खाने बनाने का क्या सीन है। मैं तो सोच रहा आज बाहर से ही खा लेते हैं, कल सुबह से कर लेंगे स्टार्ट, क्योंकि सब्जी वब्जी कुछ है नहीं। वो भी तो क्या बनाने, यो ये राशन वासन। हाँ क्या बन, अरे हाँ भाई मेरे ख्याल से ना दोस्त और नीचे वो खाना बनाएंगे, भी देख लेंगे अभी। भाई आ गई हमारी, फिलहाल मैगी से खा लेते हैं जल्दी। भाई मैगी खाई थी अभी थोड़ी देर पहले, और मैगी खा के फिर गए थे। सो देखो ये तो अभी सो ही रहा है, मैं उठ गया, बहुत तेज लग रही है भूख, अभी रात के बज रहे हैं 9:30। देखो भाई मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया, ये अपना दूध हो रहा है, उबल रहा है मतलब। मुझे पता नहीं थी कि वो पैकेट वाला दूध होता है ना जो उबलता है, पर मैंने फिर पता करा किसी से कि हाँ उबाल के रखना होता है, वरना ख़राब हो जाता है वो पैकेट खोलने के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये था कि रात को खाए क्या, क्योंकि दिन भर में हमने पूरा दिन सफाई करी, हम थक गए, कुछ भी नहीं करा। आज हमने खाया एक कप चाय पी थी सुबह, अब रात बाहर कौन जाए सब्जी लेने, ये तो सो गया। अब मैं उठा हुआ था, अब ऐसा करते हैं कि अभी मैंने इस आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल दिया, अब मैं बना रहा हूँ पराठे, चाय, और मम्मी ने अचार दिया था वो उसके साथ। भाई ये बन रही हमारी चाय, और ये बन रहे हमारे वो पराठे। पराठे कहाँ चलते भाई, कर तो रहा पराठा बन रहा है। ये और आटा गूंद रखा इतने, हमें मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो इतना सा आटा गूंद लिया था। ये बन गए पतले पतले से पराठे, अचार कहाँ है, अचार अंदर है, तो इन्हें बना लेते हैं पहले, इन्हें बना के दिखाएंगे अब सीधा। भाई रात के अप्रोक्स 11 बज रहे, और अब हम कुछ खाने के लिए मतलब बनाया हमने, ये पराठे बन गए, ये चाय बन गई हमारी, और ये रे हम थके हारे, फिलहाल इसे खा लेंगे और खा पी के सो जाएंगे। तो हल्का सा डाल अपने में, ये देख लो कितनी सारी चाय भर दी इसने। ये था आज का अपना कुछ दिन, तो इस व्लॉग को करते हैं यही पेंट। तो यार वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।